राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार प्रधान जिला न्यायाधीश और अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रभात कुमार मिश्रा के मार्गदर्शन में 11 फरवरी 2023 शनिवार को जिले के समस्त न्यायालयों में वृहद स्तर पर इस वर्ष की प्रथम नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। नेशनल लोक अदालत के प्रचार प्रसार के लिए तृतीय जिला न्यायाधीश श्रीमती कृष्णा परस्ते द्वारा प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। प्रचार वाहन के साथ साथ नगर पालिका निगम देवास और विद्युत वितरण कंपनी के प्रचार वाहनों को भी नेशनल लोक अदालत के प्रचार प्रसार हेतु रवाना किया गया। प्रचार रथ द्वारा नेशनल लोक अदालत का प्रचार प्रसार किया जाएगा और आमजन को नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण के लिए जागरूक किया जाएगा। विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाओं के उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए और समाज को का संदेश देते हुए प्रचार रथ के चालन के लिए दिव्यांग चालक को चुना गया है, जो पूरे शहर में प्रचार रथ चलाकर नेशनल लोक अदालत का प्रचार करेगा। प्रचार वाहनों द्वारा नगर पालिका निगम देवास और विद्युत वितरण कंपनी द्वारा नेशनल लोक अदालत में दी जा रही छूट का भी प्रचार प्रसार किया जाएगा। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती निहारिका सिंह ने बताया कि 11 फरवरी 2023 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत देवास मुख्यालय और तहसील सोनकच्छ बागली कन्नौद खातेगांव और खुर्द के न्यायालयों में आयोजित की जा रही है। नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित और वादपूर्व समझौता योग्य आपराधिक सिविल पारिवारिक विवाद घरेलू हिंसा अधिनियम भरण पोषण मामले विद्युत चोरी प्रकरण चेक बाउंस बैंक रिकवरी श्रम मामले मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण भू अर्जन नगर निगम के जलकर और संपत्ति कर BSNL के प्रकरण आदि विषयक प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। अधिक से अधिक पक्षकार इस अवसर का लाभ उठाएं। दिनांक 11 फरवरी 2023 को हम इस वर्ष की दूसरी नेशनल लोक अदालत का आयोजन करने जा रहे हैं। हमारे प्रधान जिला न्यायाधीश श्री प्रभात कुमार मिश्रा साहब के मार्गदर्शन में लगभग सभी न्यायाधीशों की खंडपीठ बनाई जा रही है। इसके लिए प्री सिटिंग्स चल रही हैं और इसमें लिटिगेशन और प्री लिटिगेशन स्तर के मामले रखे जा रहे हैं, जिसमें फौजदारी चेक बाउंस संबंधी पारिवारिक मामले दीवानी मामले रखे जाएंगे प्रमुख रूप से। इस अवसर पर विद्युत विभाग और नगर निगम द्वारा आकर्षक छूट दी जा रही है और बैंक रिकवरी के मामलों में भी छूट दी जा रही है और सभी उपभोक्ताओं से ये निवेदन है कि वे अधिक से अधिक संख्या में इसमें भाग लेकर सस्ता सुलभ न्याय प्राप्त करें। धन्यवाद। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।